बताएं और अपनी बात हमारे बीच रखें। आपके बाद सम्माननीय पुखराज जी गर्ग का उद्बोधन होगा, उसके बाद सीधे नेताजी आपसे मुखातिब होंगे। सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, आवाज सुन रही मातृ शक्तियां, मंच पर बैठे बुद्धिजीव, आप सभी के चरणों में हरियाणा से आए आपके प्यारे बच्चे हर्षिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। आप सभी साथियों को राजनीति की अब वो कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं जो शायद ही कोई बता पाएगा। एक बात नोट कर लेना, ये जो अब चुनाव है राजस्थान का, अगर इस चुनाव में आप लोगों ने अपनी एकता नहीं दिखाई, जिंदगी में कभी दोबारा से हिंदुस्तान के अंदर चुनाव नहीं होगा। जो बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार, जिसको आप लोग ये सोचते हो कि अगर यहां भाजपा आएगी आपका विकास करेगी, वो एक चक्कर जाके हरियाणा लगाया आना। हमारा सीएम है खट्टर साहब, जो रैलियों में कहता है नाम है मेरा खट्टर, सरकार मेरी खटारा, ईवीएम का और बना जो ढूंढ बिकवा दूंगा थारा। और इनकी पार्टी का सबसे बड़ा जुमलेबाज, उनके माहौल का यही नहीं पता कब रात 8 बजे लाइव आके बोल देंगे, मित्रों अगर अमीर होना है मकान ही बेच दो। कब तक आप लोग इन झूठे ढकोसलों में फंसे रहोगे? याद करो वो दिन जिस वक्त हम गुलाम थे, उस गुलामी के वक्त किसान का, दलित का शोषण होता था, हमारी बहन बेटियों को हमारी आंखों के सामने पीटा जाता था, कुचला जाता था। आज भी इस वक्त आपकी इस कांग्रेस राज के सरकार में, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, आप सबने देखी होगी, हमारी बहन बेटियों के साथ वही हालात आज किए जाते हैं। आप लोगों ने एक चीज सीख लेनी चाहिए, एक बार यहां सरकार कांग्रेस बनाती है, एक बार बीजेपी, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक बार वो खेलता है दूसरी बार वो। आखिर आप सबसे पूछना चाहता हूं, किसान की, दलित की, मजदूर की सरकार कब आएगी? वो सरकार जब आएगी, आप लोगों के सामने दो कोई नूर इकट्ठे हो गए हैं, जो एक बाबा साहब का दीवाना है तो दूसरा छोटू राम का। और इस हिंदुस्तान के अंदर जिसने संविधान लिखा बाबा साहब, उसके दीवानों के साथ आज भी क्या किया जाता है आप लोगों को पता है? जब रामनाथ कोविंद एक दलित समाज का बेटा राष्ट्रपति बना और उसने वहां विधानसभा के अंदर अपने पैर रखे, उस विधानसभा को गंगाजल से धोया गया, गंगाजल से, कि एक दलित के पैर रखने से वो दूषित हो गई। आज भी दलित भाइयों के साथ इतना अत्याचार होता है, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, मुझे तक नहीं रखने दी जाती। आज भी दलित बहन बेटियों को गलत नजर से देखा जाता है, बलात्कार तक कर देते हैं, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। आज वरिष्ठ सभा के माध्यम से आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं, मैं एक हनुमान का सैनिक, इन दलित भाइयों की घोड़ी के आगे लट के जोर पर हम खड़े होंगे और हम देखेंगे उस घोड़ी को कौन रोकेगा। अब लड़ाई है किसान की, मजदूर की, दलित की, शोषित की, आदिवासी की, मूल निवासी की। इस देश के असली राजे तुम हो, तुम अपनी ताकत को पहचानो और इन हाथों को मजबूत करो। एक किसान जब खेत में जाता है अपने साथ दो ही चीजों का इंतजाम करता है, चाय का और पानी का। केतली में चाय डालो और बोतल में पानी रखो। अब आप सभी को बता देता हूं, भाजपा टिकट बांट रही थी, आपस में कानाफूसी चल रही थी, साहब हम तो चाय वाले के नाम से आपका प्रचार कर रहे थे,
चाहे को तो कैटली में चंद्रशेखर दाल ले गया। आप सभी को बता देता हूं, ये अंतिम लड़ाई, अगर इस लड़ाई के अंदर आप लोगों ने अपनी ताकत नहीं दिखाई, इस लड़ाई के अंदर आप लोगों ने अपना जोर नहीं दिखाया, जीवन में आप लोगों के लिए आगे कोई योद्धा और कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा। हनुमान जी, चंद्रशेखर जी, दोनों एक गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से, किसान परिवार से संघर्ष करके आप लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए वो एकता लड़ाई है, आप लोगों के लिए इस परिवार को एक किया है। अब आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है और मैं ये चाहता हूं राजस्थान के अंदर से 200 सीटों पर 200 हनुमान और 200 चंद्रशेखर निकल के आए और भाई साहब के हाथ मजबूत करें। आप सभी साथियों ने इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया, आप सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भीम, जय छोटू राम। बहुत बहुत शुक्रिया।